I've fallen in love with I Love. I love. El bole, wow. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि श्री महाभारत कथा श्री महाभारत कथा महाभारत कथा महाभारत कथा कथा है पुरुषार्थ की ये स्वार्थ की परमार्थ की सार थी जिसके भले श्री कृष्ण भारत पार्थ की शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था शब्द दिग्घोषित हुआ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे आज तो न कहीं स्नेह की नर्म धूप ही है और न कहीं क्षमा की मृदुल छांव मैं क्रोध अपमान और अहंकार के कटीले जंगल में अकेला खड़ा हूं और मेरी आवाज के पांव जैसे किसी दलदल में धंसते ही चले जा रहे हैं और अभी तो इस कथा के समाप्त होने में भी काफी देर है। सच पूछिए तो मैंने अब तक जो सुनाया है वो तो केवल भूमिका थी। कहानी तो कुरुक्षेत्र ही में शुरू होकर कुरुक्षेत्र ही में खत्म भी हो जाएगी। शताब्दियों की ओढ़नी ओढ़े चलती हुई ये कहानी तो बस उन्हीं 18 दिनों की आत्मकथा है। हाँ, ये बात और है कि ये 18 दिन 18 शताब्दियों पर भारी हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र पहुंचने से पहले आपके लिए जो एकाध बात रह गई है उसका जान लेना आवश्यक है। रह जाने वाली बात का शीर्षक है शिखंडी। वो शिखंडी
जिसका नाम उसके पिछले जन्म में अंबा था। काशी की राजकुमारी अंबा, जिसे उसकी दो छोटी बहनों अंबिका और अंबालिका के साथ गंगा पुत्र भीष्म ने अपने छोटे भाई विचित्र वीर के लिए हर लिया था। अब तो आपको वो अंबा याद आ गई होगी जिसने भरे हस्तिनापुर राज दरबार में गंगा पुत्र भीष्म को चुनौती दी थी कि चाहे उसे जन्म पर जन्म ही क्यों न लेना पड़े, किंतु वो उनसे इस अपमान का बदला जरूर लेगी। अंबा से शिखंडी तक इस अपमानित आत्मा ने लंबी यात्रा की है। तो आइए पहले महारथी शिखंडी के शिविर में चले। प्रताश्री, आओ अनुज। ये बाण विष में किसके लिए बुझाए जा रहे हैं? उस महायोद्धा के कई नाम हैं अनुज। देवव्रत, गंगापुत्र, भीष्म, मेरी आत्मा के माथे पर अपमान का हस्ताक्षर। उनका वध तो आपकी ओर से मैं करूंगा प्रताश्री, मैं करूंगा। नहीं अनुज, अपमान का प्रतिशोध तो स्वयं ही लेना पड़ता है, वो मेरा ऋणी है। मैं हर क्षण के साथ अपने अपमान की पूरी कहानी जीता हूं। काशी की राजकुमारी अंबा के स्वयंवर का वो दिन और उस दिन के पश्चात बीतने वाला कोई दिन भी अभी तक बीता नहीं है। लगातार बीत रहा है। मैं आंखें बंद करता हूं तो काशी की वो सभा मेरे सामने राक्षसी की भांति हाथ उठा उठा कर हंसने लगती है और मेरी छाती पर मेरे अपमान का फैताल नृत्य करने लगता है। सारी राज्यसभा वीरों महावीरों से भरी हुई है कि एक व्यक्ति के आने से सारे होंठों की मुस्कान मुरझा जाती है। गंगा पुत्र भीष्म पधार रहे हैं। लगता है भीष्म प्रतिज्ञा राजकुमारियों की सुंदरता के सागर में डूब गई। प्रतिज्ञा भी कांच की रही होगी। सावधान! इस स्वयंवर में मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज विचित्र वीरी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। काशी राजकुमारियां शताब्दियों से कुरु वंशियों में विवाह के लिए जाती रही हैं, आज भी यही होगा। मैं इन तीनों राजकुमारियों को अपने छोटे भाई विचित्र वीरी की रानिया बनाने के लिए ले जा रहा हूं। राजकुमारियों का स्वयंवर रचाकर आपने जो हस्तिनापुर का अपमान किया है, मैं उसके लिए आपको क्षमा करता हूं। परंतु राजकुमारियों को अपना वर चुनने का अधिकार है भीष्म।
इन राजकुमारियों को यह अधिकार नहीं है शालवराज, और यदि है तो मेरे सिवा और कोई स्वयंवर सभा में बैठने योग्य नहीं। भीष्म, अपनी जुबान को लगाम दो। मैं केवल घोड़ों को लगाम देता हूं, और शालवराज तुम यदि मुझसे जीवन दान पाकर न जी रहे होते तो भरी सभा में इस प्रकार मेरी बात काटने का कड़ा दंड देता तुम्हें। मैं इस भरे दरबार में घोषणा करता हूं कि मैं राजकुमारियों को लेने आया हूं और ले जा रहा हूं। क्या कोई भीष्म को रोकना चाहता है? रोकना चाहता है भीष्म को? राजकुमारियों को जाने की आज्ञा दीजिए काशी नरेश। सारथी, रथ घुमाओ। शालवराज? हाँ, मैं शाल्व। मेरे पास बाणों की कमी नहीं है शालवराज, पर दिया हुआ जीवन में वापस लेना नहीं चाहता, इसलिए एक बार फिर क्षमा करता हूं। सारथी, हस्तिनापुर चलो। क्या मैं एक विनती कर सकती हूँ राजमाता? केवल माँ कहो अम्बा। परंतु मेरी विनती तो राजमाता से है। आज्ञा है। परमवीर गंगापुत्र भीष्म के आने से पहले ही मैं मन ही मन शाल्व नरेश को अपना पति मान चुकी थी राजमाता। तो तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं राजकुमारी? भय गंगापुत्र, आपका भय। तब तो विचित्र वीर्य का विवाह अम्बा से नहीं हो सकता माते। तुमने ठीक कहा भीष्म। तुम निश्चिंत रहो राजकुमारी, तुम्हें आदर के साथ शाल भिजवाने का प्रबंध किया जाएगा। भीष्म से कह देना हम हारी हुई वस्तु दान में स्वीकार नहीं करते, और उनसे ये भी कह देना कि राजकुमारी को यहाँ भेजकर उन्होंने हमारा अपमान किया है। मेरा अपमान किया है गंगा पुत्र भीष्म ने? न ये मुझे शाल्व नरेश के पास भेजते और न ही मेरा इतना बड़ा अपमान होता। इसलिए गंगापुत्र भीष्म को आदेश हो कि ये अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। महाराज की जय हो, परंतु मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ महाराज, मैं विवाह कर ही नहीं सकता। विवाह नहीं कर सकते तो काशी से यहाँ लाए क्यों? मैंने तो काशी दरबार में ये घोषणा कर दी थी कि मैं केवल हस्तिनापुर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मेरा हरण ऐसे समय में किया गया था महाराज जब मेरे हाथ में वरमाला थी। मेरी बहनों ने आपको स्वीकार किया,
परंतु मैं आपको स्वीकार नहीं करती। अब मैं वो माला गंगापुत्र भीष्म के गले में डालना चाहती हूँ। यह संभव नहीं है देवी। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मैंने ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की है। घायल नागिन, घायल शेरनी और अपमानित स्त्री से डरना सीखो गंगापुत्र। तुम वचनबद्ध हो, इसलिए मेरे अपमान के घाव पर मान का फाया नहीं लगा सकते। तो आज इसी कुरुराज दरबार में हस्तनापुर नरेश को साक्षी मानते हुए मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध होती हूँ। गंगापुत्र भीष्म, मैं तुम्हें अपने अपमान के लिए कभी क्षमा नहीं करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जन पर जन क्यों न लेने पड़े। तुम्हारी मृत्यु का कारण बनकर मैं अपने इस अपमान का बदला अवश्य लूंगी। अम्बा अपने अपमान का नरक अपने आंचल में लिए हुए तपस्वियों के एक आश्रम में पहुंची। तपस्वियों ने उसकी कथा सुनने के पश्चात उससे कहा कि स्त्री के केवल दो ही आश्रय हैं, पति या पिता। अम्बा ने कहा कि प्रश्न आश्रय का नहीं है, प्रश्न है अपमान और उसके भुगतान का। अम्बा आश्रय की खोज में नहीं थी, वो तो प्रतिशोध के मार्ग की यात्री थी। हम बड़े विचित्र समाज में जी रहे हैं अनुज। नारी के मान अपमान पर भी पुरुषों का अधिकार है, ना उसका अपना व्यक्तिगत मान है ना अपमान। परंतु अम्बा के लिए स्वीकारणीय नहीं था। अपमान तो उसका हुआ था, तो उसके प्रतिशोध पर भी केवल उसी का अधिकार था। तो उसने तपस्वियों से कहा, हे मुनिगण, मैं अब काशी तो नहीं जा सकती, वहां मुझे बंधु बांधवों का तिरस्कार स्वीकार करना पड़ेगा। मैं शाल्व के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि वे मुझे पहले ही अस्वीकार कर चुके हैं। मेरे लिए तो केवल एक ही मार्ग खुला रह गया है, और वो मार्ग है तपस्या का। है राजकन्या, तपस्या का मार्ग सरल नहीं है। जानती हूँ, किंतु कोई और मार्ग खुला ही ना हो तो उसी मार्ग पर चलना पड़ेगा ना, जो खुला हुआ है, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। हे मुनिवर, तप का मार्ग अपमान को सहन करने के मार्ग से अधिक कठिन तो नहीं हो सकता ना? किंतु पुत्री, वो है परम तपस्वी राजर्षि होत्रवाहन, आपका हार्दिक स्वागत है। स्थान ग्रहण कीजिए। मुनिगण कुछ चिंतित लग रहे हैं। समस्या कुछ गंभीर है। यह काशी की राजकुमारी अम्बा हैं। अम्बा की कथा सुनकर राजर्षि होत्रवाहन सन्नाटे में आ गए और बोले, हे पुत्री, मैं तेरे जन्म से पहले ही तपोवन चला गया था, इसलिए तू मुझे नहीं जानती। मैं तेरा नाना हूं। तू अपने पिता के घर न जा, तू परशुराम जी के पास चली जा, वे ही तेरे शोक और संताप का उपचार कर सकते हैं। वे कहाँ मिलेंगे ऋषिवर? महेंद्र पर्वत पर जा पुत्री, वे मेरे बाल सखा और सहपाठी हैं। आयुष्मान भव। आसन ग्रहण कीजिए ऋषिवर। हे ब्रह्म ऋषि, ये मेरी ध्योती अम्बा है। मैं इसे
आप ही के पास भेज रहा था कि इसके दुख का उपचार यदि किसी के पास है तो वे आप ही हैं। आयुष्मान भव, क्या समस्या है पुत्री? गंगा पुत्र भीष्म ने इसका अपमान किया है, इसका हरण किया, फिर इसे स्वीकार करने से नकार दिया है ऋषिवर। यदि ऐसा है तो भीष्म को इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही हरण की मर्यादा है। प्रणाम, एक ब्राह्मण आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। प्रणाम। आयुष्मान भव, स्थान ग्रहण कीजिए। मैं महर्षि परशुराम का संदेश लेकर आया हूं। गुरु परशुराम का? क्या आदेश है गुरुदेव का? उन्होंने कहलवाया है कि किसी विशेष कार्य से यहां आए हैं और उनकी इच्छा है कि आप उनका यह कार्य कर दें। गुरु की इच्छा भी आदेश है, कार्य क्या है यह तो वे स्वयं ही बताएंगे। जब तुम्हें विवाह नहीं करना था तो तुमने काशी की राजकुमारी अंबा का हरण क्यों किया? और जब हरण कर ही लिया था तो उसके किस अपराध के आधार पर तुमने उसे त्याग दिया? इसका परिणाम यह हुआ कि वो अकेली और असहाय रह गई। यही कारण था कि शाल्व नरेश ने उसे अस्वीकार कर दिया। अतः अग्नि को साक्षी मानकर तुम उसे ग्रहण करो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। भगवान, अब तो मैं उसे अपने भाई के साथ भी नहीं ब्याह सकता, क्योंकि स्वयं अंबा ने मुझसे कहा कि वो तो शाल्वराज की हो चुकी है और मैं उसे आदर के साथ शाल्वराज के पास भेजकर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर चुका हूं। हे गंगा पुत्र देवव्रत, यदि तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। मैं आपको समझाने का प्रयत्न करके शिष्य की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। नहीं गंगा पुत्र, तुम इस मर्यादा का भी उल्लंघन करके देख लो। हे भगवान, आप मेरे गुरु हैं, आप अपने शिष्य के साथ क्यों युद्ध करना चाहते हैं? शिष्य को उसकी असभ्यता पर कठोर दंड देना गुरु का परम कर्तव्य है देवव्रत। मैं फिर कहता हूं, अंबा को ग्रहण कर लो। हे ब्रह्मर्षि, यह तो संभव ही नहीं है। और यदि आपने युद्ध का आदेश दे ही दिया है तो आपका यह शिष्य उस आज्ञा का पालन अवश्य करेगा। मैं जानता हूं कि आपने अकेले ही इस पृथ्वी के सारे क्षत्रियों को पराजित किया है, पर हे गुरुश्रेष्ठ, यह आप भी जानते हैं कि उन क्षत्रियों में से आपके इस शिष्य जैसा कोई क्षत्रिय नहीं था जो आपके युद्धाभिमान को नष्ट कर सके। उस देवव्रत का उदय तो अब हुआ है। तो कुरुक्षेत्र की ओर चलो, तनिक मैं भी देखूं कि मैंने अपने शिष्य को कैसी शिक्षा दी है। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। Thank you.
हे गुरु श्रेष्ठ, आप भूमि पर खड़े हुए हैं, मैं रथ पर चढ़कर आपसे युद्ध नहीं कर सकता। यदि आप मुझसे युद्ध करना चाहते हैं तो कवच धारण करके रथ पर आइए। ये भूमि मेरा रथ है, वेद अश्व हैं, पवन सारथी है, वेद माता गायत्री, सावित्री और सरस्वती मेरा कवच हैं। गुरु श्रेष्ठ, मुझे अपने साथ युद्ध करने की आज्ञा दीजिए और यह आशीर्वाद दीजिए कि विजय मेरी हो। हे गुरु श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी नम्रता से अति प्रसन्न हूं। सफलता चाहने वाले पुरुष को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से बड़ों के साथ युद्ध करने वालों का यही धर्म है। यदि तुम इस प्रकार नहीं आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता हूं। जाओ और इस प्रकार युद्ध करो कि तुम्हारा गुरु लज्जित ना हो। सावधान, सावधान।
ऋषिवर, ये तो प्रस्वाप अस्त्र है। इस अस्त्र से क्या होगा? ये तो अचूक अस्त्र है पुत्री, और इसके प्रयोग की विधि गंगा पुत्र के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। यदि उन्होंने इस अस्त्र का प्रयोग परशुराम जी पर कर दिया तो उनकी पराजय निश्चित है। ठहरो, हे गुरुनंदन, हे भरत श्रेष्ठ, प्रस्वापास्त्र का प्रयोग ना करो। इसके प्रयोग से तुम्हारे गुरुदेव का अपमान होगा। इसका प्रयोग ना करो। हे शिष्य श्रेष्ठ, हे गंगा पुत्र, हे अधिरथी, हे भीष्म, आज तुमने अपने गुरु को परास्त कर दिया। अब संसार में किसी गुरु को तुम जैसा शिष्य नहीं मिलेगा। परंतु हे पुत्र, अब मैं रणभूमि में पीछे नहीं हट सकता, इसलिए या तो मेरा वध करो या फिर लौट जाओ। हे गुरु श्रेष्ठ, मैं युद्ध आपकी आज्ञा पालन के लिए कर रहा था, और अब यदि आपका आदेश यह है कि मैं लौट जाऊं तो मैं लौट जाता हूं। स्वयं मैंने परशुराम को उस भीष्म के आगे विवश होते हुए देखा है। तब मैंने निर्णय लिया कि जो कुछ करना है वो स्वयं मुझी को करना पड़ेगा। मैंने घोर तपस्या की, परिणाम ये हुआ कि मेरा आधा शरीर अंबा नदी बन गया और आधा अंग वत्स देश की कन्या होकर उत्पन्न हुआ। किंतु ये तो मेरा लक्ष्य नहीं था। मैंने फिर तपस्या का मार्ग पकड़ा और तब स्वयं महादेव से मुझे ये वर मिला कि मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बन सकूंगा। तब मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तो नारी हूं, मैं भला भीष्म जैसे अधिरथि का वध कैसे कर सकूंगी? तब महादेव ने कहा कि तू पुरुषत्व प्राप्त करेगी और दूसरा शरीर पाने के पश्चात भी ये सब याद रखेगी। तू द्रुपद के घर जन्म लेगी और महारथी बनेगी। और हे प्रिय अनुज, महादेव का वो वरदान तुम्हारे सामने है।
प्रताश्री, प्रताश्री, प्रण पूरा नहीं कर सकी, जन्म गया था बीत, अम्बा फिर से जन्म ले, बन कर नया अतीत, बन कर नया अतीत। मैं नहीं चाहता माते किरण भूमि सज जाए और मुझे दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों में से किसी एक के पक्ष में युद्ध करने का निर्णय लेना पड़े। मेरा मार्गदर्शन कीजिए माते, मेरी सहायता कीजिए माते। मुझसे कोई भूल हुई माते? तुम कायरों की भांति संकट की हर घड़ी में माँ के पास क्यों चले आते हो पुत्र? जो प्रतिज्ञा तुमने की वो मुझसे पूछे बिना की, अपने पिता और हस्तिनापुर को जो वचन तुमने दिया वो भी मुझसे पूछे बिना दिया, तो अपनी प्रतिज्ञा और अपने वचन के परिणामों का सामना भी करो पुत्र। जो आदेश माते, जो आदेश। अब मैं नहीं आऊंगा माते, अब स्वयं आपको आना होगा, आपको आना होगा। प्रधान सेनापति की जय हो, आचार्य द्रोण पधार रहे हैं। प्रणाम आचार्य। विराजिए। लगता है आपको भी नींद नहीं आ रही। ये वो रातें हैं गंगापुत्र जिनमें हस्तिनापुर के किसी भी शुभ चिंतक को नींद नहीं आ सकती। जब भी तनिक आंख लगती है तो पांडवों का बाल बनाकर सामने खड़ा हो जाता है और प्रश्न करने लगता है मुझसे, गुरुदेव क्या आप हमसे युद्ध करेंगे? और इन सपनों से भाग कर जा भी नहीं सकते। छोटा अर्जुन दौड़ा दौड़ा आकर मेरी गोद में घुस जाया करता था आचार्य। ताजश्री, 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 मुझे भीम भैया से बचाइए, मैंने उसके भाग की खीर खा ली है। मैं उससे कहता, अरे वत्स, मैं तेरा तात नहीं हूं, मैं तो तेरे तात का तात हूं। वो नन्ना अर्जुन कितना बड़ा हो गया है आचार्य, कितना बड़ा। मेरी बूढ़ी छाती उसके बाणों का भी आज वैसे ही स्वागत करेगी जैसे धूल में सने उसके बालपन का स्वागत किया करती। उसके बाण खाकर मेरे बुढ़ापे का भाग्य खुल जाएगा आचार्य, खुल जाएगा। यही युद्ध उसकी परीक्षा है गंगापुत्र,
परीक्षा है। उसके बाणों से लगने वाले घावों की गहराई मुझे बताएगी कि मैंने जो उसे शिक्षा देने का प्रयत्न किया उसमें मैं कहां तक सफल हुआ हूं। एक दिन मैंने उससे कहा था, गंगा पुत्र, हे वत्स, यदि कभी ऐसा हो कि किसी युद्ध में तुम्हें मेरा सामना करना पड़े तो मेरी ओर ये सोचकर हल्के बाण मत चलाना कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, और महादेव की सौगंध यदि मैंने उसे ऐसा करते हुए देखा तो वहीं कुरुक्षेत्र में कह दूंगा कि वो मेरा शिष्य होने योग्य नहीं है। तो आपको ये कहने का अवसर नहीं देगा आचार्य, मेरा प्रिय अर्जुन आपको ये कहने का अवसर नहीं देगा। पांचाली, क्या मुझे देखकर आश्चर्य हुआ है? हाँ, रणभूमि में तुम्हारा क्या काम? इसलिए तो हम लोग तुम सबको उपप्लव्य छोड़ाए थे पांचाली। क्या गांडीवधारी अर्जुन ये भूल गए हैं कि ये युद्ध केवल कुंती पुत्र ही का नहीं, ये युद्ध मेरा भी है, और मैं स्वयं अपनी सेना भी हूं और सेनापति भी, और मेरे खुले हुए केश मेरे शस्त्र हैं, और फिर मैं सर्वश्रेष्ठ गदाधर कुंती पुत्र भीम को एक कष्ट नहीं देना चाहती कि वो अपने हथेली में दुशासन की छाती का लहू ली उपप्लव तक आए। उसका सारा लहू तो वहां पहुंचने तक उनके हथेली से टपक चुका होगा। क्या आप ये चाहते हैं कि मेरे केश खुले ही रह जाए? पांडव शिविर में बैठकर मैं कुंती पुत्र भीम की प्रतीक्षा करूंगी, और ज्येष्ठ कुंती पुत्र का कोई ठीक थोड़ी है, क्या पता कब उनका मन बदल जाए और वे तुम लोगों से कहें कि क्षमा धर्म है और धर्म क्षमा। मैं धर्म की इस परिभाषा और तुम लोगों के बीच तब तक खड़ी रहूंगी जब तक मेरे ये केश बंध नहीं जाते। आँच नहीं शस्त्राग्नि की धीमी पड़ने पा, अग्निमूर्ति प्रतिशोध की शौर्य शक्ति बन जा। कुरुक्षेत्र के युद्ध का पांचाली आधार यही बनी है ढाल भी, यही बनी तलवार। हे भारत खंड, हे आर्यावर्त, हे भारतवर्ष, हे हिंद, हे हिंदुस्तान, हे भारत, तेरा समय तुझे सावधान कर रहा है। नीति वही है जो देश के हित में हो, राजनीति भी वही है, जननीति भी वही है। धारयति इति धर्मः, इसलिए देश कल्याण की तुला पर नीतियों को तोलकर निर्णय लेना सीख। जो तू इस महाकाव्य महाभारत से यही न सीख पाया तब तो तुझे ये अमर कथा सुनाकर मैंने स्वयं अपना दुरुपयोग किया है। देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं, देश कल्याण से अधिक अर्थपूर्ण कोई स्वप्न नहीं, देश हित से अधिक महत्वपूर्ण
कोई हित नहीं। हे असंख्य लोगों की माता, अपनी संतान को देश प्रेम का वरदान दे कि वो तेरे अतिरिक्त किसी और के लिए जीना और तेरे अतिरिक्त किसी और के लिए मरना छोड़ दे। अपनी संतान को ये आशीर्वाद दे कि ये संकट की घड़ी है और तेरी संतान अपने कुरुक्षेत्र में खड़ी है, और संयोग देख कि महाभारत की अमर कथा भी कुरुक्षेत्र पहुंच चुकी है, इसलिए यहां से आगे इस कहानी को और ध्यान से सुन, क्योंकि ये कथा धर्मभूमि कुरुक्षेत्र पहुंच चुकी है और हर युग का कुरुक्षेत्र उस युग की धर्मभूमि होता है। देख सामने कुरुक्षेत्र में सेनाएं पड़ाव डाल चुकी हैं। पता नहीं
रहूं ना रहूं इस दुनिया में तब तक है प्रिय तुम्हें। पर हम सैनिक हैं, हमको तो लड़ना आवश्यक है। धर्म की रक्षा के हित हमको मरना आवश्यक है, मरना आवश्यक है। मर कर ही जीना होता है, जीने से आवश्यक। पता नहीं मैं रहूं ना रहूं इस दुनिया में तब तक है प्रिय तुम्हें। पत्र ये मेरा तुम्हें मिलेगा जब तक, पता नहीं मैं रहूं ना रहूं इस दुनिया में तब तक हे प्रिय तुम्हें। दासों के सर पर ये मुकुट अच्छे नहीं लग रहे। अपने अपने ये मुकुट उतार कर मेरे चरणों में रख दो। उतारो ये मुकुट और रख दो मेरे चरणों में। ये पांच तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए आकर मेरे मित्र दुर्योधन की गोद में बैठ जाओ। पांच पतियों वाली तो तुम पहले ही से हो, तो छठे का हाथ पकड़ लेने में हानि क्या है। एक दिन मैं तुम्हें इस अपमान का दंड अवश्य दूंगा, कारण अवश्य दूंगा। है चुप! मेरे मित्र से बात करने का साहस करता है, मैं तेरी जीव काट लूंगा। इसे बोलने दो मित्र, नया दास हुआ है, धीरे धीरे सीख जाएगा। जो स्त्री पांच पांच पुरुषों के साथ रहती हो वो पत्नी नहीं, वेश्या होती है। और वेश्या का मान क्या और अपमान क्या, ये यहां नग्न भी लाई जाती तब भी अनुचित ना होता।
पार्थ? आइए केशव। किन विचारों में खोए हुए थे? अपने क्रोध की अग्नि में यादों की लकड़ियां डाल रहा था केशव, यादों की लकड़ियां डाल रहा था। युद्ध की प्रतीक्षा युद्ध से कहीं अधिक दुविधापूर्ण होती है। अब रणभूमि सामने है, इसलिए मैं अपने क्रोध की अग्नि को भड़का रहा था केशव, अपने क्रोध की अग्नि को भड़का रहा था मैं। अपने क्रोध की अग्नि में केवल यादों की लकड़ियां न डालो पार्थ। तो इस अग्नि में और क्या डालूं केशव? बोलिए, इस अपमान की अग्नि में और क्या डालूं? इस अपमान की अग्नि में दुर्गा माँ के आशीर्वाद का घी डालकर इस अग्नि को हवन कुंड की अग्नि बना लो पार्थ। हां पुरुश्रेष्ठ, हे परंतप अर्जुन, दुर्गा का आशीर्वाद भी एक दिव्यास्त्र है, और इस दिव्यास्त्र के बिना तुम रणभूमि में निहत्थे लगोगे। इसलिए आकाश की कृपा छाया में खड़े होकर दुर्गा माँ को सहायता के लिए पुकारो पार्थ। क्या वे आएंगी केशव? यदि केवल जिह्वा पुकारेगी तो वे नहीं आएंगी, यदि आत्मा पुकारेगी तो वे अवश्य आएंगी। और तुम्हारे साथ मुझे देखकर तो उनके न आने का प्रश्न ही नहीं उठता। पर मैं ये चाहता हूं पार्थ कि वे तुम्हारी पुकार सुनकर आएं, केवल तुम्हारी पुकार पार्थ। ओम दुर्गाय नमः, ओम अंबाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम अंबाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम अंबाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम मुझे क्यों पुकार रहे थे? माता, हे माता, मेरे सामने धर्म भूमि कुरुक्षेत्र है। यदि हम धर्म युद्ध कर रहे हैं तो हमें विजयश्री का वरदान दीजिए माता, हमें विजयश्री का वरदान दीजिए। हे अर्जुन, तुम्हें इस वर की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जहां धर्म होगा वहीं वासुदेव कृष्ण होंगे, और जहां वे होंगे वहीं विजयश्री होगी। इस वरदान का तात्पर्य यह है पार्थ कि यदि तुम्हारा मन भटकना भी चाहे तो तुम उसे भटकने की आज्ञा न दो, उसके भटकाव का मार्ग रोक कर खड़े हो जाओ। यह परीक्षा की घड़ी है पार्थ, परीक्षा की घड़ी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, हे सदाशिव, वो माता क्या करे जो तुमसे अपने पुत्र के लिए विजयश्री का वर भी नहीं मांग सकती? पता नहीं ये परीक्षा मेरी है या तुम्हारी। मैंने अपना सारा जीवन तुम्हारी साधना में व्यतीत किया है, मुझे मार्गदर्शन दो प्रभु। मैं क्या करूं,
क्या चाहूं और क्या न चाहूं, मुझे इस दुविधा से मुक्त करो प्रभु। मैं ये भी नहीं चाहती कि मुझे कुंती के पास शोक प्रकट करने के लिए जाना पड़े, और मैं ये भी नहीं चाहती कि कुंती मेरे पास शोक प्रकट करने के लिए आए। मेरा धर्म मुझे दुर्योधन की विजय मांगने से रोक रहा है प्रभु, और यदि मैं प्रिय पांडवों के लिए विजय मांगती हूं तो मेरी ममता मेरी जीवा में गांठ डाल रही है। मेरी सहायता करो प्रभु, मेरी सहायता करो, मुझे अपनी शरण में ले लो प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो। यूं न बैठी रहिए भाभी श्री, यूं न बैठी रहिए। तो मैं और क्या करूं विदुर? अपने पुत्रों की विजय के लिए प्रार्थना कीजिए। क्या क्या तुम मेरे पुत्रों की विजय का अर्थ जानती हो? क्या मैं गांधारी पुत्रों की मृत्यु के लिए प्रार्थना करूं? धर्म युद्ध में यह नहीं देखा जाता भाभी श्री कि कौन किसका पुत्र है। वैसे तो सारी मानव जाति ही परमपिता ब्रह्मा की संतान है, परंतु फिर भी युद्ध होते हैं, फिर भी लहू बहता है, फिर भी किसी को विजय मिलती है और किसी को पराजय। ये नाते तो उन भारी पत्थरों की भांति हैं भाभी श्री, जो बड़े से बड़े निपुण तैराकों को भी डुबो देते हैं। पांडवों के लिए विजय मांगिए भाभी श्री, पांडवों के लिए विजय मांगिए, इसलिए नहीं कि वे आपके पुत्र हैं, इसलिए कि वे धर्म के मार्ग पर हैं। उनके लिए विजय न चाहना तो पाप है, उनके लिए विजय न चाहना तो अधर्म और असत्य का पक्ष लेने के समान है। इस युद्ध में कोई निष्पक्ष नहीं रह सकता भाभी श्री, इसलिए अपना पक्ष चुनिए भाभी श्री, अपना पक्ष चुनिए। सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के इस युद्ध में निष्पक्षता का केवल एक अर्थ है भाभी श्री, कि आप असत्य अधर्म और अंधकार के पक्ष में हैं, और आप जैसी तेजस्वी नारी को तो अंधकार के पक्ष में होना ही नहीं चाहिए। आप स्वयं ही अपना इतना बड़ा अपमान नहीं कर सकती हैं भाभी श्री, नहीं कर सकती हैं। इसलिए ये न सोचिए कि आपकी पूजा किसकी मृत्यु का कारण बनने वाली है। शव तो शव ही होता है भाभी श्री, पर केवल उसका शव आदरणीय है जिसने धर्म की रक्षा में अपने प्राण त्यागे हों। हाँ भाभी श्री, तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है विदुर, किंतु फिर भी मैं दुर्योधन को पराजय का शाप तो नहीं दे सकती। तो हस्तिनापुर को विजय का आशीर्वाद दीजिए भाभी श्री, विजय का आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद पर हस्तिनापुर का अधिकार है। हाँ भाभी श्री। Thank you.
आपने उठने का कष्ट क्यों किया पितामह? आप तो भरत श्रेष्ठ हैं। रणभूमि में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता देवकी नंदन। और बड़ा केवल वो होता है वासुदेव, जो अपनी माया के बल पर नहीं अपने बाहुबल पर विजय प्राप्त कर ले। बाहुबल की बात मुझसे तो करो ही मत गांधारी नंदन, क्योंकि मैं तो केवल पार्थ का सारथी हूं। अस्त्र और शस्त्र तो मैं उठाने वाला ही नहीं हूं। तब तो मैं तुमसे शस्त्र उठवा के रहूंगा मधुसूदन। यशस्वी भव। शक्तिमान भव। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। विजयी भव। हे पांडव सेना के प्रधान सेनापति महारथी धृष्टद्युम्न, कौरव सेना के प्रधान सेनापति भीष्म के शिविर में आपका स्वागत है। आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं भी स्थान ग्रहण करूं गंगा पुत्र। मैं नकार के अतिथि का अपमान नहीं कर सकता, किंतु ये पुरुषों की सभा है राजकुमार शिखंडी। मैं ये जानता हूं गंगा पुत्र, इसीलिए आप जैसे महापुरुष के दर्शन करने मैं यहां आ गया हूं। आज्ञा है वैराजी। प्रणाम ममाश्री। कैसे हो मित्र द्रुपद? अच्छा हूं मित्र, तुम कैसे हो? महादेव की कृपा है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं आचार्य कि हमारे पिता श्री पर महादेव की कृपा दृष्टि नहीं है? मैं समझता हूं कि हम लोग यहां अपने अपने व्यक्तिगत तनावों का आदान प्रदान करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। हम लोगों के बीच दुर्भाग्य से अब रणभूमि के अतिरिक्त कुछ नहीं है।
इसलिए युद्ध के नियम निश्चित कर लिए जाए। हे गुरु शिरोमणि, हम यहां कुछ निश्चित करने नहीं आए हैं। कौरव आपके पुत्र हैं और पांडव भी, इसलिए आप जो नियम बनाएंगे पांडव सेना उन्हीं नियमों को मानकर यह युद्ध करेगी। मुझ पर यह भार न डालो माधव, स्वयं मेरे ही शिविर में ऐसे कई लोग हैं जो ये समझते हैं कि मैं पांडवों का पक्षधर हूं, किंतु तुम तो जानते हो माधव कि मैं और मेरे जैसे कई वृद्ध लोग केवल हस्तिनापुर के पक्ष में हैं। किंतु आप कुरुश्रेष्ठ हैं, आप शूरवीर हैं, आप कौरव सेना के प्रधान सेनापति हैं और हर दृष्टि से हमारे लिए आदरणीय हैं। इसलिए इस युद्ध के नियम बनाने का दायित्व आपको संभालना ही पड़ेगा। सत्य तो यह है वासुदेव कि हर युद्ध का केवल एक ही नियम है और वो ये कि युद्ध धर्मानुसार होना चाहिए। और धर्म क्या है गंगापुत्र? महारथी भीष्म, धर्म यह है महारथी शिखंडी कि किसी पुरुष को किसी अपुरुष पर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। धर्म यह कहता है कि यदि किसी योद्धा का शस्त्र उसके हाथ में ना हो तो उस पर तब तक आक्रमण नहीं करना चाहिए जब तक कि वो सशस्त्र ना हो जाए। यदि कोई रणभूमि छोड़कर भाग रहा हो या घायल होने के कारण रणभूमि छोड़ रहा हो तो उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। सेना के साथ चलने वाले असैनिकों की हत्या नहीं करनी चाहिए। घायलों की सहायता करने वालों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। धर्म यह है कि पदाति से पदाति युद्ध करेगा और रथी से रथी, महारथी से महारथी युद्ध करेगा और अतिरथी से अतिरथी। धर्म यह है कि कई योद्धा मिलकर किसी एक योद्धा की हत्या नहीं करेंगे। धर्म यह है कि सूर्योदय के साथ आरंभ होने वाला युद्ध सूर्यास्त के साथ साथ रुक जाएगा और रात्रि के समय यदि दोनों पक्ष के योद्धा चाहें तो मैत्रीपूर्ण वातावरण में मिल सकते हैं। आत्मसमर्पण करने वाले सैनिक की रक्षा करना विजयी का कर्तव्य हो जाता है। यदि पांडव सेना के प्रधान सेनापति कोई नियम घटाना या बढ़ाना चाहें तो उसका स्वागत है। हे गंगा पुत्र, यह ध्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न एक सभ्य योद्धा है। वो एक वृद्ध महारथी का युद्ध में शीश तो काट सकता है परंतु एक वृद्ध शूरवीर का वाक्य नहीं काट सकता। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं और आपके बताए सभी नियमों को स्वीकार करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी ओर के रथी और महारथी इन नियमों का पालन अवश्य करेंगे। और आपकी सेना के रथी और महारथी? वो नियम तोड़ने में पहल नहीं करेंगे, परंतु हां, यदि आपकी ओर के रथी और महारथियों ने इसका पालन नहीं किया तो फिर मैं कोई वचन नहीं देता। चिंता मुझे एक ही है अर्जुन, पितामह के बनाए हुए व्यूह भला किसके तोड़े टूटेंगे? हमारी सेना धर्म व्यूह में है भ्राताश्री, और धर्म व्यूह को स्वयं पितामह या गुरु द्रोणाचार्य भी भंग नहीं कर सकते। महादेव की सौगंध, यदि मैं चाहूं तो उस महारथियों और अतिरथियों से भरी हुई कौरव सेना को अपने दिव्यास्त्रों के प्रयोग से एक ही क्षण में नष्ट कर सकता हूं, किंतु मैं अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके उन्हें पराजित नहीं करना चाहता।
मैं इतिहास को यह कहने का अवसर नहीं दूंगा कि यह युद्ध अर्जुन ने नहीं दिव्यास्त्र ने जीता है। हम यह युद्ध अपने बाहुबल से जीतना चाहते हैं भ्राताश्री, अपने बाहुबल से जीतना चाहते हैं। लोक कल आरंभ होने वाले इस युद्ध में आपके भले, भ्राता भीम की गदा, नकुल और सहदेव की खड्ग, मेरे वाणों की वर्षा और वासुदेव के सारथिक के लिए याद रखेंगे। वासुदेव हैं कहाँ? उन्हें तो मैंने पितामह के शिविर से लौटने के पश्चात देखा ही नहीं। वे जहां भी होंगे हमारी हित में सोच रहे होंगे। प्रणाम वासुदेव। प्रणाम। हम लोग यहां कल से आरंभ होने वाले युद्ध के नियम निश्चित करने आए थे, तो सोचा कि मैत्रीपूर्ण वातावरण की अंतिम रात है तो मिल मिला लूं उन लोगों से जो मुझे अच्छे लगते हैं। क्या उनमें से एक मैं भी हूं? निसंदेह कर्ण, निसंदेह। यदि ना होते तो मैं यहां आता ही क्यों? हे वासुदेव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? गंगा पुत्र की युद्ध नीति मेरी समझ में नहीं आई कारण। आप ही सोचिए कि उनके और दोनों आचार्यों के उपरांत कौरव सेना का जो सबसे बड़ा योद्धा है उसे ये कहकर बिठला दिया कि जब तक वो प्रधान सेनापति रहेंगे तब तक वो युद्ध नहीं कर सकता। महारथी कर्ण युद्ध नहीं कर सकता। उनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो इसका तात्पर्य तो यही निकला ना कि सूर्य पुत्र कर्ण इस महायुद्ध से अलग ही रह गए। कदाचित अनुज अर्जुन का भाग्य उसकी रक्षा कर रहा है वासुदेव, क्योंकि यदि मैं युद्ध में भाग ले रहा होता तो मेरे इन हाथों मेरे उस अनुज का वध निश्चित था। क्या अर्जुन वध करके आप आनंद उपभोग करते सूर्यपुत्र? प्रश्न आनंद का नहीं है वासुदेव, प्रश्न ऋण चुकाने का है। किंतु जब आप युद्ध ही नहीं कर सकते तो ऋण उतारेंगे कैसे? यही तो मैं भी सोच रहा हूं वासुदेव। दुर्योधन के ऋण का भार मैं अपने दूसरे जन्म के कंधे पर नहीं डालना चाहता, पर मैं करूं क्या? यदि सेनापति मुझे युद्ध में भाग लेने की आज्ञा नहीं देंगे तो मैं यहीं बैठे बैठे युद्ध देखने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकता हूं? हे कौंतेय, यदि युद्ध केवल देखना है तो अपने भाइयों के शिविर में बैठकर देखिए। आप जानते हैं वासुदेव, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों? आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हे वासुदेव, लोग कहेंगे कि मैं वीरगति को प्राप्त होने के डर से उधर चला गया। लोग ये भी कहेंगे कि राधेय ने कृतज्ञता के दायित्व का अपमान किया जब मेरे साथ कोई नहीं था ना वासुदेव, तब केवल दुर्योधन ने मेरी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया था, और आज जब उसे मित्रों की आवश्यकता हुई तो मैं उसका हाथ छोड़कर उधर चला जाऊं? नहीं वासुदेव, नहीं। मैं अर्जुन के वाणों के घाव सहन कर सकता हूं, पर अपमान का यह घाव नहीं सहन कर सकता।
इसलिए आप मुझसे उधर जाने के लिए ना कहिए, और यदि ये समस्त कारण ना भी होते तब भी मैं वहां नहीं जाता। ऐसा क्यों? वो द्रौपदी का शिविर है वासुदेव, मैं स्वयं नारायण का सामना कर सकता हूं किंतु सती का सामना नहीं कर सकता, जिस पर मेरी जीवा ने अश्लीलता का एक वाण चलाया था। उस दिन इस राधे को न जाने क्या हो गया था कि मैं उसका अपमान देखता भी रहा और उसका अपमान करता भी रहा। हे वासुदेव, अपने इस अपराध के लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकता, कभी क्षमा नहीं कर सकता। अपने अपराध का बोध मुक्ति का मार्ग खोलता है ज्येष्ठ कुंती पुत्र। अब आज्ञा दीजिए, मेरे वहां ना होने से सब चिंतित होंगे। प्रणाम वासुदेव। प्रणाम। और यदि अर्जुन से युद्ध का मार्ग खुल ही गया तो फिर महादेव उसकी रक्षा करें। आप कहां रह गए थे केशव? कल से युद्ध आरंभ हो जाएगा पार्थ, इसलिए सोचा कि कुछ लोगों से मिल लूं। तो आचार्य द्रोण से मिला, कृपाचार्य से मिला, गंगापुत्र भीष्म से मिला। इन सब ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए स्नेह संदेश भेजा है पार्थ। फिर ये सारे स्नेह संदेश लेकर मैं कर्ण के पास चला गया। उस सूत पुत्र के पास जाने की क्या आवश्यकता थी केशव? मैं उसके पिताश्री की बात नहीं कर रहा हूं पार्थ, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यदि मैं प्रार्थना कर सकता तो यह प्रार्थना अवश्य करता कि गंगा पुत्र भीष्म प्रधान सेनापति बने रहे, क्योंकि जब तक वे सेनापति हैं तब तक कर्ण युद्ध नहीं कर सकता। केवल कर्ण ही के तुणीर में एक ऐसा वाण है पार्थ, जिसके कारण मैं तुम्हारी ओर से चिंतित हूं, और उसी वाण के कारण तो मैंने तुम्हें दुर्गा के आशीर्वाद का कवच पहनवाया है। हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, अब सूर्योदय की प्रतीक्षा करो। राह देखिए सूर्य की, होगा नया प्रभात, धर्म जूझने जा रहा। हस्तिनापुर नरेश शांतनु के राज्यकाल में जो रणभूमि सजना शुरू हुई थी, उस रणभूमि के सजने का काम आज पूरा होने वाला है।
अब कभी न ऐसी रणभूमि सजेगी, न ऐसी सेनाएं बनेंगी और न ही ऐसे महायोद्धा एकत्र होंगे, किंतु इस महायुद्ध, इस धर्म युद्ध के वृक्ष की जड़ हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के हृदय में है। धृतराष्ट्र व्याकुल है, संजय से कुछ कहना चाहते हैं, किंतु जैसे कह नहीं पा रहे, जैसे कुरुक्षेत्र के विषय में पूछने की हिम्मत न पड़ रही हो। संजय से अपने राजा की दशा छिपी हुई नहीं है, वो दुखी है अपने हस्तिनापुर के लिए भी और कदाचित अपने नरेश के लिए भी। मैं ये सब देख रहा हूं और स्वयं मैं भी गहरी सोच में हूं कि कथा आज उस स्थान पर है जहां स्वयं शब्द भी फूंक फूंक कर पांव धरेंगे। ये कथा गीता की सीमा रेखा पर खड़ी है। इसका तात्पर्य ये है कि जब तक गीता चलेगी तब तक मैं भी केवल सुन ही सकता हूं, बोल नहीं सकता। हाँ, बस ये कह सकता हूं कि आने वाले कुछ क्षण संसार को सदैव के लिए धृतराष्ट्र का ऋण बना देंगे, क्योंकि आने वाले कुछ क्षणों ही में धृतराष्ट्र संजय से कहने वाले हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा होने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब जब तक संजय की बात चलेगी तब तक मैं तो हिलने वाला नहीं हूं। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा होने वाले मेरे और पांडुपुत्र इस समय क्या कर रहे हैं? महाराज, हे नरेश, दोनों ओर की सेनाएं कुरुक्षेत्र में आ पहुंची हैं। गंगापुत्र भीष्म और युवराज धृष्टद्युम्न अपनी अपनी सेनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। आचार्य, आपने पांडवों की यह सेना देखी जिसे आपके मित्र द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूह बनाकर आपकी सेना के सामने खड़ा किया है, और इस महान सेना में कैसे कैसे योद्धा
कैसे कैसे धनुर्धर और कैसे कैसे शूरवीर हैं। सात्यकी, विराट, महारथी द्रुपद, काशीराज, कुंती भोज और लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, हे गुरु श्रेष्ठ। और अब हमारी सेना की ओर देखिए, जिसे लेकर आप इन पराक्रमी पांडवों से युद्ध करने के लिए इस रणभूमि में आए हैं। कौन है इस सेना में? स्वयं आप, पितामह भीष्म, कुल गुरु कृपाचार्य और ऐसे ही कुछ और महान योद्धा। कहते हैं कि ये सब युद्ध कला में निपुण हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हमारी सैन्य शक्ति के सामने इन पांडवों की सैन्य शक्ति शून्य है, शून्य। हे गुरुवर, इनसे युद्ध जीतने के लिए तो अकेले पितामह भीष्म ही बहुत हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि पितामह भीष्म की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वे इस रणभूमि में कुंती पुत्रों का वध नहीं करेंगे। गंगा पुत्र भीष्म, आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, किंतु फिर भी आप मेरे वाणों से अपने प्रिय अर्जुन को नहीं बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे आप। क्या देख रहे हो पार्थ? पिता तुल्य जनों, पितामहों, आचार्यों, भाइयों, मित्रों और पुत्रों को देख रहा हूं केशव। इन्हें देखना क्या है पार्थ? तुम इन्हें पहली बार तो नहीं देख रहे हो? हाँ, पहली बार तो नहीं देख रहा हूं। और तुम ये भी जानते थे कि ये सारे सगे संबंधी इस रणभूमि में किसी न किसी और खड़े अवश्य दिखाई देंगे। तो क्या जानने और देखने में कोई अंतर नहीं केशव? हे माधव, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए कि मेरा परिदृश्य ठीक रहे। मैं दोनों सेनाओं को बराबर की दूरी से देखना चाहता हूं केशव, मुझे ले चलिए वहां। ले चलता हूं पार्थ, ले चलता हूं। परंतु हे कुंती पुत्र, ये बात तुमने शंख बजने से पहले क्यों नहीं कही? क्योंकि शंख बजने के उपरांत अब युद्ध के विषय में कोई संदेह नहीं रह गया केशव, कोई संदेह नहीं रह गया।
ये अर्जुन कर क्या रहा है? चिंता ना करो अनुज, अर्जुन के सारथी वासुदेव कृष्ण हैं। अर्जुन का रथ तो भटक ही नहीं सकता। केवल ये सुनकर के पितामह भीष्म इन भाइयों के प्राण नहीं लेंगे, अर्जुन का साहस इतना बढ़ गया है कि वो अकेला ही आगे चला रहा है, जैसे कि कौरवों की सेना में और कोई युद्ध ही ना हो। ये अर्जुन कहां चला आ रहा है आचार्य? मुझे तो किसी दुविधा में लगता है, किंतु वासुदेव के होते हुए दुविधा कैसी गंगा पुत्र? दुविधा में तो मैं पड़ गया हूं आचार्य। जिस योद्धा ने विराट युद्ध में अकेले ही हम सभी को पराजित कर दिया था, वही अपना रथ लिए उस सेना की ओर चढ़े चला आ रहा है, जिस सेना का प्रधान सेनापति होना मेरा दुर्भाग्य है आचार्य। किंतु क्या कुंती पुत्र अर्जुन ये भूल गया है कि अभी युद्ध के आरंभ का शंख नहीं बजा? वासुदेव ने रथ रोक लिया है गंगा पुत्र। ये क्या प्रहेलिका है आचार्य? लो पार्थ, रणभूमि का मध्य तो आ गया। ये दो सेनाएं नहीं है केशव, ये तो दो सागर हैं। दादी, दादी। क्या हुआ भीम? ये मेरी खीर खा गया। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि कल हम तुम्हारे लिए बहुत सारी खीर बनवा देंगे, ठीक है? अच्छा, मैं यही आपके पास सोचा हूँ ताजश्री। अरे पगले, तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया कि मैं तुम्हारा ताजश्री नहीं हूँ, मैं तुम्हारे तात का तात हूँ। गले नहीं लगोगे पुत्र? मेरे वस्त्रों पर तो यात्रा की धूल है पितामह, आपके श्वेत वस्त्र मैले हो जाएंगे। मेरे ये श्वेत वस्त्र तो सदैव ही तुम्हारे वस्त्रों की धूल के लिए व्याकुल रहते हैं पुत्र। पितामह, पितामह। क्या खेलने में तुम्हें आनंद नहीं मिलता वत्स? जब गुरु शिक्षा दे रहे हो तो वो खेलने का समय नहीं हो सकता गुरुदेव। लगता है तू मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ेगा अर्जुन। अर्जुन? गुरुदेव, मैंने तो तुम्हें अभी इसकी शिक्षा दी ही नहीं। शिक्षा तो आप ही ने दी है गुरुदेव। इन्हें कब तक देखते रहोगे पार्थ? देखने दीजिए केशव, देखने दीजिए। क्या पता इस युद्ध के उपरांत इनमें से कौन देखने को मिलेगा और कौन नहीं देखने को मिलेगा। माधव, मैं ये किन लोगों से युद्ध करने आया हूं और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए मैं किन लोगों के प्राण दांव पे लगा रहा हूं? दोनों ही ओर तो एक ही वंश के लोग खड़े हैं, एक ही वृक्ष की डालियां। वो जो सामने श्वेत वस्त्र पहने श्वेत रथ पर सवार खड़े हैं, वो संसार के लिए गंगा पुत्र होंगे, मेरे लिए तो वो स्नेह की गंगा है। मैं अपने मैले धूल में सने वस्त्र पहनकर इनकी श्वेत गोद में घुस जाया करता था और वो मुझे अपने हृदय से लगा लिया करते थे। वो मेरे पितामह है केशव, वो मेरे पितामह है। वो आचार्य द्रोण है जिन्होंने मेरी आत्मा को नहला दिया अपने ज्ञान सागर में और इस शिष्य की झोली में अपना सारा ज्ञान उड़ेल दिया। उन्होंने जितना मुझे दिया है ना केशव, उतना तो स्वयं अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं दिया। मैं इनसे युद्ध करने आया हूं, मैं इनके प्राण लेने का प्रयत्न करूंगा। ये सोचने से ही मेरा अंग अंग शिथिल हुआ जा रहा है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, धनुष और बाण पकड़ने वाले यह हाथ सुन हुए जा रहे हैं। मेरे शरीर में वो कपकपी है केशव, जो मैंने कभी शिष्य ऋतु में भी अनुभव नहीं की थी। मेरा गांडीव मेरे हाथ से गिरा जा रहा है केशव।
मैं इन पर वाण क्या चलाऊंगा केशव, जिनके सत्कार के लिए स्वयं मेरे रोंगटे तक खड़े हो गए हो। मैं इस रणभूमि कुरुक्षेत्र को अपने ही वंश की श्मशान भूमि नहीं बना सकता केशव, अपने ही वंश की श्मशान भूमि नहीं बना सकता। आप कुछ कहते क्यों नहीं केशव? अभी तो मैं सुन रहा हूं ना पार्थ, पहले तुम कह लो। कहने को क्या है केशव, कहने को क्या है? मैं अपने कुल के शवों पर अपना राजभवन नहीं खड़ा कर सकता। मैं उस राजसुख का क्या करूंगा जिससे भरतवंश के लहू की महक आ रही होगी? जिन गुरुजनों के चरणों पर सिर रखा उन्हीं का सर काट फेंकूं? जिसे जिसे इस धनुष पर वाण लगाना सीखा उसी पर वाण चलाऊं केशव? मुझे इन मूल्यों पर विजय नहीं चाहिए केशव, मुझे इन मूल्यों पर विजय नहीं चाहिए। पृथ्वी का राज्य तो फिर भी पृथ्वी का राज्य है, मुझे इन दामोत्रिलोक का राज्य भी नहीं चाहिए। दुर्योधन, दुर्योधन भी है तो मेरा ही भाई ना। माना कि उसने हमारे साथ कपट किया है, उसने पंचाली का अपमान करके सारे भरत वंश का अपमान किया है, किंतु है तो वो ज्येष्ठ पिताश्री का ज्येष्ठ पुत्र ही ना। ये तो बड़े खेद की बात है कि भूमि के एक टुकड़े के लिए हम लोग कुलनाशक बनने को तैयार हो गए। हे शांति देव, यदि सब कुछ खोकर भी मुझे शांति मिले और मैं कुल के नाश के पाप से बच जाऊं तो यह शांति बहुत सस्ती है केशव, यह शांति बहुत सस्ती है। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। केशव, मेरा नाम लेकर मुझे पुकारने से पहले यह बताओ पार्थ, कि इस समय जब विनाश के बादल चारों ओर से उमड़ आए हैं और धर्म रक्षा और विजय की आस लिए तुम्हारी ओर देख रहा है, इस संकट की घड़ी में तुमने कायरता के इन हीन भावों को अपने हृदय में आने कैसे दिया? श्रेष्ठ पुरुष तो यूं विषाद में डूबा नहीं करते। धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की इस निर्णायक घड़ी में नपुंसक न बनो पार्थ, नपुंसक न बनो। हे परंतप, हे शत्रु संहारक, हे धनंजय, तुम्हारे ये भाव अनार्य हैं, ये तुम्हें स्वर्ग से गिरा देंगे और कीर्ति से भी, और तुम स्वयं ही अपने तिरस्कार का कारण बनकर रह जाओगे। इसलिए हे पार्थ, हृदय की इस दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। खड़ा कैसे हो जाऊं मधुसूदन, खड़ा कैसे हो जाऊं? पितामह का वध करने के लिए खड़ा कैसे हो जाऊं? कुरुश्रेष्ठ पर प्रहार करने के लिए खड़ा कैसे हो जाऊं? जो मेरे लिए पूजनीय है उनसे युद्ध कैसे करूं? जिन गुरुओं ने मुझे विजय का मंत्र सिखाया उन्हें पराजित करने के लिए कैसे खड़ा हो जाऊं? इन महापुरुषों पर हाथ उठाने से तो कहीं अच्छा है कि मैं ये हाथ भिक्षा के लिए फैलाऊं, भिक्षा में मिली हुई रोटी इन महापुरुषों के रक्त से सनी भी नहीं होगी। हे ऋषिकेश, मैं तो यह भी समझ नहीं पा रहा हूं कि इस युद्ध में विजय श्रेष्ठ है या पराजय। धृतराष्ट्र पुत्र शत्रुओं की भांति मेरे सामने खड़े हैं, मैं जानता हूं कि उनका वध किए बिना जीना संभव नहीं है, किंतु हे केशव, उनका वध करने के उपरांत भी जीना सहज नहीं होगा। क्या वो मेरे भाई नहीं है केशव? बोलिए केशव। अवश्य है। बस केवल इतना ही कहना है आपको? तुमने केवल यही तो पूछा था पार्थ, किंतु ये युद्ध संबंधों और नातों की स्थापना या पहचान के लिए नहीं है कुंती पुत्र। अपने कर्तव्य को पहचानो और तब निर्णय लो, क्योंकि निर्णय तो तुम ही को लेना पड़ेगा। यदि तुम ये चाहते हो कि निर्णय मैं लूं और तुम इस युद्ध के उत्तरदायित्व से बच जाओ, तो यह नहीं होगा पार्थ, कदापि नहीं होगा, क्योंकि यह युद्ध भी तुम्हारा है और इस युद्ध का परिणाम भी तुम्हारा ही होगा। मुझे कर्तव्य का मार्ग ठीक से दिखाई नहीं दे रहा केशव, इसलिए हे वासुदेव, आप मेरी आत्मा के भी सारथी बन जाइए। मैं जानता हूं कि मैं धर्म और अधर्म के बीच में खड़ा हूं,
किंतु यह निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि धर्म किस ओर है और अधर्म किस ओर। मेरा मार्गदर्शन कीजिए केशव। इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक से बचने का मार्ग दिखलाइए मुझे। अपनी इस मानसिक अवस्था में तो मैं युद्ध नहीं कर सकता गोविंद। गोविंद मैं युद्ध नहीं कर सकता। न युद्ध से गोविंदम, न युद्ध से गोविंदम, न युद्ध से गोविंदम, न युद्ध से गोविंदम, न युद्ध से गोविंदम। ये कहकर कुंती पुत्र अर्जुन चुप हो गए महाराज। किंतु संजय, प्रिय अर्जुन ने प्रश्न तो नितांत मौलिक उठाए हैं। वो भला अपने ताश्री या आचार्यों से कैसे युद्ध कर सकता है? क्षत्रिय सभ्यता के भी तो कुछ लक्षण होते हैं। इस विषय में भला मैं क्या कह सकता हूं महाराज, मैं तो क्षत्रिय हूं ही नहीं। किंतु क्षत्रिय की भांति सोच तो सकते हो। हे संजय, मुझे तो प्रिय अर्जुन की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो अब इंद्रप्रस्थ भी नहीं मांगेगा। और यदि ऐसा हुआ तो दुर्योधन के दुराग्रह की प्यास भी बुझ जाएगी और तब मैं उसे प्रिय पांडवों को 5 गांव देने के लिए भी मना लूंगा। युद्ध तो यूं समझो कि अब होगा ही नहीं, क्योंकि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो फिर उधर से युद्ध करेगा कौन? वो तो अब गांडीव उठाने वाला नहीं है संजय, क्योंकि जब तक उसे अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तब तक तो वह युद्ध के लिए तैयार नहीं होगा। और उसके प्रश्नों के उत्तर तो स्वयं देवकीनंदन के पास भी नहीं हो सकते। हे संजय, तनिक तनिक देखो तो कि देवकीनंदन इस समय उससे क्या कह रहे हैं। जो आ गया। हे भरत वंशज, ऋषिकेश तो निद्रा को जीतने वाले गुडाकेश अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हां पार्थ, जो चले गए वे तो चले गए, और ज्ञानी तो न जाने वालों का शोक करते हैं और न ही उनका जो नहीं गए। वे तो न विगत के लिए शोक करें और न ही अगत के लिए। तुम्हारी शैली तो ज्ञानियों की ही है, किंतु बात तुम मूर्खों जैसी कर रहे हो। शोक करने से पहले ये तो देखो कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे तो शोक के योग्य ही नहीं है। तो क्या पितामह या गुरुश्रेष्ठ आचार्य शोक के योग्य नहीं है केशव? यदि वे शोक के योग्य होते तो मैं ये कहता ही क्यों पार्थ? तुम इस सत्य को समझ लो पार्थ कि मूल तत्व शरीर नहीं आत्मा है, और मृत्यु उसकी यात्रा का अंत भी नहीं है, क्योंकि उसकी यात्रा तो अनंत है। मृत्यु तो केवल एक पड़ाव है पार्थ, केवल एक पड़ाव। सांस का अंत पवन का अंत नहीं है। यूं समझो पार्थ कि प्राणी तो पहले बालक होता है, फिर वो बालक युवा हो जाता है, फिर वो युवा वृद्ध, और फिर मृत्यु। किंतु ये यात्रा तो शरीर की है, आत्मा तो इससे भी आगे जाता है। वो एक शरीर को त्याग कर कोई और शरीर धारण कर लेता है। इसलिए जो यात्रा मृत्यु पर समाप्त हो जाए वो तो केवल शरीर की यात्रा है पार्थ, केवल शरीर की यात्रा है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा की यात्रा तो अनंत है पार्थ, और उसकी यात्रा के एक बिंदु पर शरीर पीछे छूट जाता है और यात्री आगे निकल जाता है, और वो बिल्कुल वैसे ही कोई नया शरीर पहन लेता है जैसे हम पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र पहन लेते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही। हे पार्थ, विनाश तो आत्मा को छू ही नहीं सकता, तो फिर शोक कैसा और किसके विनाश का? क्या वस्त्र के विनाश का? किंतु वस्त्र तो अमर नहीं होता, वो तो त्यागे जाने के लिए ही होता है, और आत्मा मरता नहीं, कभी नहीं मरता। किंतु वे जो सामने खड़े हैं, वे इस युद्ध के पश्चात सबके सब होंगे ना केशव? सबके सब होंगे ना? ये होना और ना होना क्या है पार्थ? क्योंकि वो समय तो कभी था ही नहीं जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये सारे लोग नहीं थे, और ना ही वो समय कभी होगा जब मैं नहीं होऊंगा, या तुम नहीं होगे, या ये सारे लोग भी नहीं होंगे। तो फिर तुम ये किस भ्रम में पड़ रहे हो पार्थ, कि वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन है? वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है पार्थ। हम थे भी, हम हैं भी, और हम होंगे भी। अब रहे ये सुख दुख, तो इनका क्या है? ये तो ऋतुओं की भांति हैं, आते जाते रहते हैं। हे कुंती पुत्र, जो सुख और दुख दोनों ही को समान समझे और उनसे प्रभावित हुए बिना ही उन्हें झेल जाए, वही स्थित प्रज्ञ है और वही मोक्ष का अधिकारी भी है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमापायिनो नित्यान तांतितिक्षस्व भारत। हे भारत, मारने या मरने की आशंका से मुक्त हो जाओ, क्योंकि मृत्यु तो केवल उसी की हो सकती है ना जिसका जन्म हुआ हो। आत्मा तो कालातीत है, काल से भी परे है पार्थ। जन्म तो जीव का होता है, आत्मा का नहीं, और यदि आत्मा जन्म ही नहीं लेता तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? आत्मा तो बस है पार्थ, है। वो काल के दोनों तटों पर भी है और काल की धारा में भी। वो अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, अविकारी है, अविनाशी है। इसलिए मारने या मरने के प्रश्न को लेकर चिंतित होना व्यर्थ है पार्थ, व्यर्थ है। मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, और उसकी मृत्यु के पश्चात भी आत्मा नहीं मरता, क्योंकि शस्त्र उसे काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता, और वायु उसे सुखा नहीं सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अब किस चिंता में हो पार्थ? हे जनार्दन, क्या मैं केवल एक आत्मा को पितामह कहता हूं? मैं अपने धूल में सने वस्त्र पहनकर एक आत्मा की गोद में घुस जाया करता था। वो जो श्वेत वस्त्र वाले वृद्ध योद्धा सामने अपने रथ पे खड़े हैं, क्या केवल वो एक आत्मा है? क्या उनके उस शरीर ने जिसे आप आत्मा का वस्त्र कह रहे हैं अनेक बार मेरे शीश पर आशीर्वाद देने के लिए हाथ नहीं धरा था? क्या वो वृद्ध ब्राह्मण श्रेष्ठ केवल एक आत्मा है जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है? केशव, मैं आत्मा के नित्य होने, पुरातन होने, अविनाशी होने को नहीं ना करता, पर जिन शरीरों की मैं बात कर रहा हूं वो शरीर भी तो मेरे कुछ लगते हैं ना? आत्मा तो जन्म नहीं लेता केशव,
आत्मा तो जन्म नहीं लेता, किंतु लोग तो जन्म लेते हैं केशव, लोग तो जन्म लेते हैं। हाँ, लोग जन्म तो अवश्य लेते हैं पार्थ, किंतु इस तर्क को तनिक आगे बढ़ाओ महाबाहो, तनिक आगे बढ़ाओ। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तो निश्चित का शोक क्यों? जन्म लेने वाले को एक न एक दिन तो मरना ही है, और ये मृत्यु भी अंत नहीं है, क्योंकि मरने वाला फिर जन्म भी लेगा। ये तो एक अटल सत्य है पार्थ, और इस अटल सत्य को कोई टाल भी नहीं सकता, न तुम, न मैं, न कोई और। गंगा पुत्र भीष्म के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, किंतु मृत्यु तो फिर भी अटल है ना पार्थ। तो जन्म, मृत्यु और फिर जन्म की श्रृंखला में शोक का स्थान कहां है पार्थ? कहां है शोक का स्थान? जिन लोगों को तुम सामने खड़ा देख रहे हो ना पार्थ, वो इस जन्म से पहले भी थे, पर क्या थे ये तुम नहीं जानते। वो इस जन्म के उपरांत भी होंगे, पर क्या होंगे ये भी तुम नहीं जानते। उनका अस्तित्व तो इस जन्म और मरण के दो बिंदुओं के इधर या उधर है ही नहीं, और यदि है भी तो अज्ञात है, अव्यक्त है। अर्थात इस जन्म से पूर्व भी वो तुम्हारे लिए नहीं थे पार्थ, और इस जन्म के उपरांत भी नहीं होंगे। तो हे पार्थ, जिनके जीवन का अनिवार्य अंत ही मृत्यु हो, और उनके जीवन के इस अनिवार्य अंत को न तुम टाल सकते हो और न ही बदल सकते हो, तो फिर शोक काहे का और शोक क्यों? ये पितामह, ये गुरुजन, ये सगे संबंधी, इनमें से किसी को भी तुम उनके इस जन्म से पूर्व भी नहीं जानते थे पार्थ, और न ही इस जन्म के उपरांत जानोगे। तब तो फिर इनके लिए शोक करना व्यर्थ होगा ना पार्थ, व्यर्थ होगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये देवकी नंदन मेरे अनुज पुत्र अर्जुन को समझा रहा है कि भड़का रहा है? क्या अर्जुन ये मान जाएगा संजय कि अपने ज्येष्ठ पिता की ओर उसका कोई दायित्व नहीं है? क्या वंश और संबंधों के महत्व को वो नकार देगा और अपने दिव्यास्त्र लेकर मेरे पुत्रों पर टूट पड़ेगा? मैं इन प्रश्नों के उत्तर कैसे दूं महाराज? इनके उत्तर या तो देवकी नंदन कृष्ण दें या कुंती पुत्र अर्जुन। किंतु मुझे इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए संजय, इसलिए कान लगाकर सुनो। सुनो जो आ गया। दुविधा में धृतराष्ट्र है, युद्ध सका नहीं रोक, योगेश्वर समझा रहे अर्जुन करो न शोक, अर्जुन करो न शोक। हे पार्थ, स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसमें आश्चर्य की क्या बात है पार्थ? जैसे फटना वस्त्र का अंतिम सत्य ठहरा है, वैसे ही मृत्यु शरीर का अंतिम सत्य है, तो फिर सत्य का शोक क्यों? मनुष्य शरीर और आत्मा नश्वर और अनश्वर का मिश्रण नहीं है, शरीर तो केवल आत्मा का एक साधन है, इसलिए शरीर की चिंता में पड़े बिना ही अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए पार्थ। किंतु यदि तुम अपने क्षत्रिय धर्म के विषय में सोच रहे हो पार्थ, तब भी तुम्हें युद्ध ही करना चाहिए,
क्योंकि अधर्म के विरुद्ध अस्त्र और शस्त्र उठाना ही क्षत्रिय का धर्म है, और आज अधर्म धर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाए सामने खड़ा है। इसलिए हे पार्थ, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। हे केशव, आपसे यही पूछने तो मैं आपको यहां लाया हूं कि मेरा कर्तव्य क्या है, कि मेरा धर्म क्या है केशव। और स्वयं तुम क्या हो पार्थ, स्वयं तुम कौन हो? मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूं। क्या इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो? मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूं। और मैं क्षत्रिय हूं केशव। यदि तुम क्षत्रिय न रहे होते पार्थ, तो द्रोण शिष्य भी न होते। और हे कौंतेय, कुंती पुत्र होने के नाते भी तो तुम क्षत्रिय ही हो, तो तुम्हारी तीनों ही पहचाने क्षत्रिय पहचाने हैं। इसलिए क्षत्रिय धर्म ही तुम्हारा धर्म है, उस धर्म का पालन करो। अधर्म के विरुद्ध अस्त्र उठाना ही क्षत्रिय धर्म है, अन्याय और अनीति के विरुद्ध अस्त्र उठाना ही क्षत्रिय धर्म है। और यदि इस निर्णायक घड़ी में तुमने सत्य के पक्ष में और असत्य के विरोध में अस्त्र नहीं उठाए पार्थ, तो तुम्हारे धर्म के साथ साथ तुम्हारी उज्जवल कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। और यदि ऐसा हुआ पार्थ, तो केवल तुम्हारे विरोधी ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज तुम्हें कलंकित कापुरुष कहेगा, और आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कायर और पापी मानेंगी। इसलिए हे महाबाहो, विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में ना उलझो और युद्ध करो। यदि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई तो पृथ्वी का राज्य और यश भोगोगे, और यदि वीर गति को प्राप्त हुए तब भी यश के साथ साथ स्वर्ग पाओगे। इसलिए हे कौंतेय, उठो, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको समान समझो और युद्ध करो, कि यही तुम्हारा क्षत्रिय कर्तव्य भी है और मानव धर्म भी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। आत्मा तो मरता नहीं, मर जाती है देह। मन में तुम रखो नहीं दुविधा या संदेह। सीख हम बीते युगों से नए युग का, करें स्वागत